नमस्ते, जय श्री केदार। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीत राज ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के गरुड़ क्षेत्र से। आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज मैं भट्ट और गहत का भटवानी बनाती हूँ। हमारे यहाँ तो इसका भटवानी बोलते हैं और कुमाऊँ में इसकी टुबुक बोलते हैं। मैंने ये भट्ट साफ करके रख दिए है तो अब इनको हम भिगाएंगे और फिर इसके डुबुक बना देंगे। हम गढ़वाल में इसको फाणा बोलते हैं और यहाँ इसको डुबके बोलते हैं, भट के डुबके। तो ये सर्दियों में बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके साथ बनाएंगे हम हरी सब्जी और चावल और साथ में ये, और बहुत टेस्टी होता है ये। तो चलिए मेरी वीडियो में बने रहे, तो मैं दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसके डुबके बनाए। मैंने ये भट रात को भिगाने थे पर ध्यान आया नहीं, तो सुबह ही मैंने भिगाने रख दिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं सीधे उठी और मैंने ये भिगाने रख दिए है तो 12 बजे तक ही भिग गए। मैं इनको भिगाने के लिए रखी हूँ। तो इनको 10-15 मिनट ऐसे रखेंगे, फिर ढक के रखेंगे और बाद में ये भीग जाएंगे। दाल बंद करके रख देंगे इसको, तब तक हम खाना बना लेंगे। ये मैंने चावल चढ़ा दिए है और इसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये चॉप टमाटर ले लिए हैं। और 2-3 घंटे हो गए हैं, भट भी अच्छी तरह भीग गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा टमाटर डाल दिए मैंने चॉप करके और भट डाल दिए हैं। ये किचन गार्डन से मैंने धनिया और लहसुन ले लिया है और ये धनिया धो दिया है और धनिया को इसमें मिला देंगे और हरी मिर्ची को भी इसमें मिला देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसको साथ में ही पीस लेंगे। तो देखते हैं कैसा पिसा है। वाह, देखो तो कितना अच्छा पिसा है। ऐसे लग रहा है अभी खाना है, लेकिन अभी इसको फ्राई करना बाकी रह गया है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। तो मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी है, ये लोहे की कढ़ाई पे ये अच्छी तरह इस तरीके से बनता है और इसमें आयरन और अच्छे अच्छे मिनरल्स मिल जाते हैं। मैं अब सरसों का तेल डालूंगी। आमतौर पे हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं क्योंकि उसी में टेस्टी बनता है। सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। पानी से तेल को काट दिया है जिससे इसकी महक चले जाए। तो मैं इसमें डालती हूँ ये जख्या, तो बारीक होता है। और इसमें मैं ये डालूंगी फरम, हमारे यहाँ इसको फरण बोलते हैं, यहाँ इसको जम्बू बोलते हैं कुमाऊँ में। तो ये डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज कटा हुआ। और खुशबू के लिए मैं इसमें ये चोरू भी डालूंगी। ओके, और इसको कूटूंगी। मैंने ये प्याज के साथ मिर्च मसाले डाल दिए हैं और अब डालेंगे हम ये पिसा हुआ भट। तो ये अब कम आंच पे रखती हूँ मैं इसको और तब तक के लिए हम सब्जी लाते हैं, तब तक ये पक जाएगा। ये किचन गार्डन से सब्जी निकाल दी है और इसको अब धो के हम बना देंगे। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। लोहे की कढ़ाई पे तो इसका अलग ही स्वाद आता है। ये अभी सब्जी बन रही है तो इसको मैंने तवे में बनाया है जिससे जल्दी बन जाए। तवे में बहुत ही अच्छी बनती है ये। इसको ढक लेंगे और ये पक जाएगी। और इसमें हम ऊपर से थोड़ा घी भी डाल देंगे जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और धनिया भी मैंने इसमें काट के डाल दिया है ऊपर से। तो इसमें मैंने परोस दिया है ये भट के डुबके हैं, ये चावल है और हरी सब्जी गढ़वाली स्टाइल में। और इसके साथ है ये माल्टे प्याज और हरी मिर्चा, ये मैंने किचन गार्डन से ली है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।